How do you flash talk from Micromax can mask A310? मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। पहले ब्राउज़र में जाइए, डाउनलोड स्टॉक रोम फॉर माइक्रोमैक्स A310। मेरा A310 है इसलिए मैं ये टाइप करूँगा। आपका A311 है तो 11 ट्राई करिए। फर्स्ट ये वेबसाइट आ रही है AndroidMTK.com, इसमें जाइए। जैसे इसमें जाएंगे आप, यहाँ पे सारे मॉडल्स लिखे हुए हैं, अपना मॉडल्स फाइंड करिए, स्क्रॉल करिए नीचे। ये सीरीज के सारे माइक्रोमैक्स के डिवाइसेस के स्टॉक रोम में अवेलेबल है, फ्री रोम। इसमें आपको पूरा फ्लैश का जो टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो जो टूल फ्लैश के लिए चाहिए वो सब इसमें से डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा फाइल मिलेगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट एक्सट्रैक्ट पे क्लिक, एक्सट्रैक्ट किया। आफ्टर एक्सट्रैक्ट इसके बाद आपको ये फोल्डर मिलेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर में जाइए, इस फोल्डर को ओपन करिए। और ये YGDBTels है, YGDBTels टूल है एक जिसे आपको फ्लैश करना है। फर्स्ट आपको अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप इसको ओपन करिए। एडीबी सेटअप ये आपसे पूछेगा कि आपका फोन जैसे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वैसे वैसे वो करना है। और मेरे ख्याल से आप Windows 10 या Windows 8 जो भी यूज कर रहे हैं तो इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फाइल मिलेगी। इसको आप ओपन कर लें। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड है 369। लॉगिन करिए, आपको ऐसा ही YGDB टूल्स आपको दिखाई दे रहा है विंडो। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर जो टूल्स आपने डाउनलोड करा है उसमें एक फाइल है CSV फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको फोल्डर में भी दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये आपको सिलेक्ट करना है, मैं इसको सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। बेटा ये CSV फॉर्मेट आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको फोन में फोन को कनेक्ट करना है। पहले कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर करके जैसे मेरा A310 है तो यहाँ पे 8297W101
और आपका है 311 है तो वहाँ पे शायद 102 होगा। फाइल में भी लिखा हुआ है जो आपने फाइल डाउनलोड करी है। आपके पास अप्लाई करिए। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं। ये फाइल वेरीफाई होने के बाद अपने फोन को विदाउट बैटरी यूएसबी से कनेक्ट करें। यूएसबी केबल 3.0 का यूज करें। YGDB लोड उसको ही सपोर्ट करता है कि वो स्पीड है जो चार्जर के सामने है वो 2.0 होता है, वो उसमें इतना स्पीड नहीं होता है। देखो वेरीफाई डेटा ओके फाइल ये आपको मिला है एक बार, उसके बाद आप स्टार्ट करके अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये सेल जीरो डाउनलोडिंग मोड पर आ जाएगा और यहाँ पे सेल जीरो का प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिंग चालू होगा। चालू होने के बाद आपका प्रोस जो स्टॉक रोम इंस्टॉल होने के बाद फोन को स्विच ऑफ करें। लेट मी शो यू। स्टॉप होने से पहले अपने फोन का पूरा बैकअप ले लें। डेटा अनाउंसमेंट सब डेटा वेटा सब उठ जाता है। उसके बाद साइमल्टेनियसली पावर बटन को होल्ड पे रखें, वॉल्यूम डाउन बटन 10 टाइम्स क्लिक करें। बिफोर ऐसा करने से पहले हम स्टार्ट बटन दबाएं। यहाँ पे एंटरिंग डाउनलोड मोड हो रहा है। यहाँ पे सेल जीरो का डाउनलोडिंग मोड चालू हो गया है, उसका प्रोग्रेस चालू हो रहा है। जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक आप डिस्कनेक्ट मत करिए फोन को। मोस्टली इसमें 3-5 मिनट्स लगते हैं। Thank you.
अगर आपका पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है या डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर मैं एक दूसरा वीडियो भी इसमें अपलोड करूँगा, उसमें आपको वो भी पता चल जाएगा। जैसे ग्रीन हो गया उसके बाद नीचे सक्सेसफुली आएगा, वैसे ही रिमूव करके आप फोन बैटरी डाल के चेक कर सकते हैं, एकदम रिस्टार्ट हो जाएगा रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे ग्रीन जो राइट का है ये सिंबल है, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली हो चुका है। फोन को रिमूव करिए यूएसबी से। इसको आपको सेव करना है, सेव करिए अदरवाइज नेक्स्ट। मेरा सेलफोन का चालू कर मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगा, मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये डेटा केबल है, इजीली मार्केट में मिल जाता है 3.0 यूएसबी। सक्सेसफुल होने के बाद जैसे न्यू पीस लेते हैं वैसे ही फर्स्ट बूटिंग में टाइम लगेगा, अबाउट 3 to 5 मिनट्स। फाइव टू सेवन मिनट्स भी लग सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। देखिए वापस से माइक्रोमैक्स का सेटअप आ गया। मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ इसके पहने हुए। ये देखें, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको कोई
दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू।